देश भर में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसी के साथ ही एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह से जोधपुर में लोगों में उत्साह है, क्योंकि बीजेपी की बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल की शुरुआती रुझान को लेकर सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। आपका नाम सुरेश भारती जी। सुरेश भारती जी, मुझे बताओ कि एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिली है, किस तरह से सोच रहे हो आप? हम तो ये सोच रहे हैं भाई 350 से ऊपर जावे, 400 नहीं जाएगी, 350 से ऊपर जाएगी, ये हमारा मानना है। 350 से ऊपर जाएगी, क्या कुछ मानना है, क्या कारण है? कारण मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, जो विकास जो देश में हो रहा है, जो लहर है बीजेपी के प्रति, और बीजेपी ने जो हिंदुस्तान को जो अपने देश को जो चीज़ें दी है, विकास किया है, सब चीज़ें, वो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है। जिस तरह से भी आप बता रहे हो विकास किया है, इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे? आप भी यहाँ मौजूद हो, एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो क्या मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया होगा? मुद्दा मेन तो विकास का और राम मंदिर का है, और राम मंदिर का निर्माण किया और विकास लोगों को दिखता है। हर शहर में वंदे भारत चल रही है, लोगों को ये सब दिखता है, इस वजह से वो मतलब लोगों ने विकास के ऊपर वोट डाला है। लोगों ने विकास के ऊपर वोट डाला है, सबसे बड़ी सबसे विश्वसनीय है एग्जिट पोल एबीपी न्यूज़ का जो आज जारी हुआ है, उसमें शुरुआती रुझान में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। तो हम बात करेंगे सर, आपका शुभ नाम क्या है और मुझे बताइए बीजेपी को, दिनेश जी राजपुरोहित जी, मुझे बताओ बीजेपी को बढ़त मिली है, किस तरह से देख रहे हो? बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है वो मोदी जी के विकास कार्यों की वजह से है, और इस देश में निश्चित रूप से इन 10 सालों में जो काम हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ, और जो आम पब्लिक है उसको जितना फायदा मोदी जी ने दिया उतना आज तक किसी सरकार ने दिया है। तो निश्चित रूप से जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी 400 के पार जाएंगे। मोदी जी 400 के पार जाएंगे, मोदी लहर की बात की जा रही थी, मोदी लहर कहीं दिख नहीं रही है, कई बार विपक्ष कहता रहा था, ये कैसी चीज़ है? मोदी लहर जो है वो अंदरूनी लोगों के अंतरात्मा से है, वो बाहर दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के मन के अंदर जो मोदी बसे हुए हैं, जैसे हर आदमी के अंदर एक सच्चाई बसी होती है, वैसे ही प्रत्येक जो मतदाता है उसके अंदर मोदी बसा हुआ है, और मोदी जी को ही लोग चाहते हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, और वो आपको 4 तारीख के रिजल्ट में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। बता दूं कि ये शुरुआती एग्जिट पोल है न्यूज़ चैनल का, और जो मतगणना 4 जून को होगी, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसके बाद काफ़ी उत्साह है। मुझे बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं ये जो बीजेपी की बढ़त? बढ़त तो क्या, अभी आपको एग्जिट पोल नज़र आया है, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा आपके चेहरे पर भी खुशी होगी, और इस देश के सारे नागरिक जितने भी नागरिक हैं सबके चेहरे पर वो उत्साह और वो खुशी होगी जो आपने आज के पहले कभी नहीं देखी होगी। 14 हुआ, 19 हुआ, और आप 24 देखेंगे। और मैं तो कहता हूँ, मैं क्या, पूरे भारत की जनता ये चाहती है कि आज जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो, और मैं क्या बोलूँ आपको, ये जो विपक्ष कह रहे थे कि 150, ये क्या उनका जुमला था जो पब्लिक ने नकार दिया है, और पब्लिक हमेशा उसे वोट देती है जो देश हित के लिए बात करता है। आज तक आप ये बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी देश हित के लिए कोई बात की? कांग्रेस ने कभी देश हित की बात नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान, ये परमाणु है पाकिस्तान के पास, पहला प्रधानमंत्री है जो खुल के कहता है हमारे पास क्या है, ये दिवाली के पटाखे नहीं है, ये परमाणु है। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2024 में शपथ लेंगे, और भव्य समारोह में आप भी आमंत्रित रहेंगे, और हमारे जो भाजपा के और अन्य पूरी पब्लिक जो हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड देखेगा, और ऐसे देश के प्रधानमंत्री इस पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर आते हैं, उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। देश के 150 करोड़ जनता अपने नेता को चुन चुकी है, देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा उसकी 4 जून को मतगणना के बाद तय होगा, लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, इससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने वाले हैं। लेकिन एक बुरी खबर यह भी है कि राजस्थान में लगातार 25 सीटों की जीत की बात है, जो इस बार वो आंकड़ा टूट सकता है। जोधपुर से करण पुरी, एबीपी न्यूज़। सर, एग्जिट पोल आ चुका है, 10 साल में जो मोदी जी ने विकास कार्य किया वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। जो सरकार कह रहे हैं कि हम 400 पार, तो 400 पार से ही आगे निकलेंगे, और इस बार तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और भारत की जनता उनसे खुश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग मोदी जी को, भाई जो कांग्रेस के शासन में जो सोना गिरवी पड़ा, आज आपने सुना होगा कि आज वो सोना गिरवी पड़ा वो छुड़ाकर भारत ने सोने की चिड़िया जो कहलाती थी, सोने की चिड़िया कहलाएगी, और सोने की चिड़िया के रूप में आगे देश बढ़ेगा। देश के 1.5 करोड़ जनता निवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबको बधाई हो, हम सरकार बनाए जा रहे हैं,
कांग्रेस INC सरकार बना रही है, सभी गठबंधन का सहयोग से हम बहुत आगे चल रहे हैं, जनता में खुशी की लहर है और आपको एग्जिट पोल तो BJP की सरकार बना रहा है नहीं, जनता में माहौल देखो आप, मोदी जी बौखला गए, आज नहीं कभी 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 क्या भाषा बोलते हैं, कभी क्या भाषा बोलते हैं, कभी क्या भाषा बोलते हैं। मोदी जी आप अपने एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, आपकी भाषा बोल रही है कि आप बौखला गए हो, आप हार को सामना करना पड़ेगा, हमारी सरकार बनने जा रही है, देशवासियों को बन देता हूँ सबको। अब जैसे एग्जिट पोल आ रहा है, 3 दिन बाद काउंटिंग होगी, आपकी एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, किसको वोट दिया था, कैसी सरकार चाह रहे हो? सरकार तो हम अच्छी चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इम्प्लू हो, ये थोड़ी ना है कि वो वोट जीतने के बाद में अपने घर में बैठ जाए या घर करे, फिर 5 साल बाद में ऑफिस दिखाई दे, फिर वो वोट जीतने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो किस कैसी सरकार चाहिए, कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है आपको, कौन सा नेता सही है? नेता तो कोई भी हो, चाहे वाली कांग्रेस का हो या BJP का हो, नेता अच्छा होना चाहिए जो सरकार को अच्छे से चला सके। वोट किसको दिया? वो तो अपनी मर्जी है, किसको देवे किसको नहीं देवे, मैंने क्या बोला, कांग्रेस आवे या BJP आवे, कोई भी नेता अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हमारे राकेश जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, कैसी सरकार चाहते हो, जैसे कि BJP कह रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है, कांग्रेस कह रहे हमारा रहे, आप ऐसी से कौन सी सरकार को पसंद करते हो? मैंने आपको क्या बोला, मैं किसी पर दोहरा ही नहीं, ना कांग्रेस पे ना BJP पे, जो भी चलाए सरकार अच्छे से चलाए, जनता पे भारी ना पड़े। अभी जो सरकार चल रही वो कैसी है? अभी जो सरकार चल रही वो तो अच्छी नहीं है बिल्कुल, 10 सालों में उन्होंने बर्बाद कर रखा है दुनिया को, दुनिया वाले को, सबको। अच्छा क्या काम किया नोटबंदी उन्होंने की, क्या क्या नहीं काम किया उन्होंने, जनता को बाहर लाने वाली वो BJP की नेता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सायरा बानो है। नहीं क्या किया, हर बाप रे लखपति आदमी तो रोटी खा लेगा अपने घर में, गरीब आदमी क्या खाएगा? और कुछ बोलूं मैं जाऊंगा तुम्हारे।